अच्छा लत्ते तो बहुत बढ़िया प्यार रखे हैं, पर ये जूती मैच नहीं कर रही। ओ जगबीर। हाँ भाई। अरे वो बरात की बस वहाँ खड़ी, अरे वे बात जवाड़ा गिलगिट के कहीं है। अरे शंकर भेज तो रखा बुलाने की खातिर भाई। पिताजी इस लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता। तेरा दिमाग खराब है, बता तू क्या कह रहा, क्यों ना करता? पिताजी आप समझते क्यों नहीं हो, वो लड़की मेरे लेवल की नहीं है, वो कभी मेरी लाइफ पे एडजस्ट नहीं हो सकती, और वो पढ़ी लिखी भी नहीं है। अरे सोनी है, पढ़ी लिखी है, कौन कह रहा? चाचा कह रहे थे। क्या कह रहा था रे तू? ते देखी ना, सोनी ना वा, पढ़ी लिखी ना। भाई मुझे तो उनके घर में कोई पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं दिखाई दिया, ब्याह की खातिर सभी कहते हैं अपने बालकों को पढ़ा लिखा है, और रही सोनी की बात, मुझे तो वह इतनी सोनी भी ना दिखाई दी, दिखाने के टाइम सभी सजा दे अपने बालक को। तुझे कहना पता बीए पास है वा? इसमें गरीब का क्या मतलब है? गरीब के बालक ना पढ़ते लिखते गए, उनकी शादी ना होती गए। मैं शादी नहीं कर सकता, मुझे पता है गाँव की कैसी पढ़ी लिखी होती है। बता भाई, इसे इज्जत भेजी थी कहीं ना पता, यू पढ़ा लिखा कही है भाई, कह के चल दिया। ये बात पहले होक रहे हैं, जा समझा ले से। मैं तो चार घंटे से समझाने लग रहा हूँ, मेरी मानना है कि वो तो जान की तैयारी करने लग रहा। कहाँ जान की तैयारी कर रहा? शहर। अरे ओ कहाँ जा तू, यू सांग भरने तो पहले मैं बता देता। ये क्या कर रहा भाई? अरे करना क्या है, ठाक लड़की वालों को फोन कर दे, अगर भाई लड़का शादी के लिए तैयार ही ना है। अच्छा यह बात इतनी आसान है, सामने वाले तो कोई इज्जत ही नहीं रख रहा। तो फिर क्या करेगा? मेरे पे तो कहीं नहीं जा। मैं तेरे बिना कहीं जा, ला मुझे दे फोन, मैं कर दूंगा। गोरी की माँ बड़े दुख की बात होगी। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? बारात नहीं आ रही है, लड़के ने शादी से मना कर दिया। ऐसे कैसे मना कर दिया, पहले तो देखने को भी दो बार आए, और ऐसे टाइम पे मना करा करेंगे? उसने बेइज्जती कर दी, सारी तैयारी हो रही है, सब रिश्तेदार आ रहे हैं, हम बारात की बाट देख रहे हैं, ठा के फोन कर दिया, के तरीका देखा न, हमारी कोई कमी बताई। तुम फोन तो करो, पूछा तो करें के बात हुई, इब महारा के रहा होगा। के फोन करूँ, साफ मना कर दिया। नहीं फिर भी तुम एक बेर उसके बापू ते पूछो। अरे ले उनका फिर आ गया फोन। अरे आ गया तो सुन ले, वे कौन सा बुड़का भर लेंगे इसके माँ के। हेलो चौधरी साहब, राम राम। बोली भाई राम राम। के बात हुई चौधरी साहब, गरीब आदमी की इज्जत का कुछ तो ख्याल रख लेता, क्या गलती है मेरे को तो बता देते। अरे भाई धूम सिंह तेरी कुछ गलती ना, गलती तो हमारी है भाई धूम सिंह, हम तो मुँह दिखाने लायक भी ना रहे, बारात की तैयारी कर रहे थे, आके नालायक नाच गया, हो सके तो हमें माफ कर दे। मैं तो माफ कर दूं हरबीर सिंह, पर सोच ले कुछ मेरी भी इज्जत सी रह जाएगी, गरीब आदमी हूँ, अगर मेरी जगह तू होता तो क्या करता? भाई धूम सिंह जो मेरे हाथ में वो बता, वो कर दूंगा मैं। राह भी बता दूंगा, इब तो मेरी इज्जत तेरे हाथ में हरबीर सिंह, इसका छोटा भाई भी तो है, सोच ले कुछ। भाई धूम सिंह तेरी बात तो ठीक है, तेरी लड़की तो पढ़ी लिखी है, पर हमारा शंकर तो अनपढ़ सा ही है, फिर के रहा होगा। मैं तो हर तरह से तैयार हूँ। भाई धूम सिंह तेरा दर्द तो मैं समझूं, शंकर की तो हम झुक कर चाहेंगे नो हो जाएगी, पर तू अपनी लड़की से एक बार पूछ के तसल्ली कर ले। नहीं आ गया शंकर भी, अरे यहाँ ले आए मैं बाजे वाले को, वहाँ नहर पे निकल गए, मैं साइकिल लेके वहीं पहुँचा, ले आया घेर के उरे को, फिर ताऊ मिल गया, बस भरी खड़ी है, ताऊ अब लो तैयार नहीं हुआ, या कोई बात है भला? ओ तूफान मेल, ओ शाने तुम्हारी भी सुनेगा। बताओ। वो विजय ब्याह को नाट गया। नाट जान तो कोई बात नहीं, भाई पढ़ा लिखा इंसान है, सही नाट्या होगा। अरे छोरी को लेकर नाट क्या? छोरी को लेकर नाट जान दो तो तू कर लेगा उस ब्याह को? हाँ और के, मैं कर लूंगा, मेरा पता नहीं होता ना होता, इस बहाने मेरा ब्याह तो हो जाएगा। परेशान मत हो गोरी की माँ, मेरी विजय के पिताजी से बात हो गई है, उसका भाई है छोटा शंकर, वो हाँ कर रहा। गौरी से पूछ लो बेटी, जरा सुन तो गौरी, देख ले क्या कह रहे हैं तेरे पिताजी। कहो पिताजी। बेटा विजय तो बहुत नालायक पाया, पर उसका छोटा भाई है शंकर, पढ़े लिखे तो कम है, पर वो खुश होके हाँ भर रहा है शादी की, सोच ले बेटा सबकी इज्जत रह जाएगी। भाई तो विजय का है, देख लिया कैसा है। नहीं माँ विजय ठीक है, ये तो शुक्र है उसने पहले ही मना कर दिया, अगर शादी के बाद मना किया होता
तो मैं आप लोगों को कभी नहीं दिखाई देती। पिताजी, जिस लड़के ने हमारी इज्जत रखी है मैं उसी से शादी करूंगी। आप खुश होकर हाँ कर दीजिए। और जब गौरी को शंकर मिल रहे हैं इससे अच्छा और क्या होगा। पिताजी, पिताजी पानी ला बेटा। पिताजी आ गए? हाँ आ गया। तू बढ़िया सी चाय बना पिताजी के लिए। बेटे चाय रहने दे, तू पानी ला मैं पा दूंगा। हाँ पिताजी अभी लाई। लड्डू ले आऊं? लड्डू खा लो। अरे लड्डू खा रखे मैं। हाँ हाँ जरूर खाए होंगे, भाई ने एक तो एक मिठाई मंगा दी होगी, वहाँ की कमी है। और भाई की कोठी देख के छाती सेड़ी हो जाए, और नौकर भी पढ़े लिखे हैं। तू चुप हो जगह के नहीं, मेरी आंखों में दर्द हो रहा। टीवी देखा होगा, भाभी के थमन दे टीवी को, पूरी शौकीन है फिल्म देखने की। और समाचार भी इंग्लिश वाले सुने। और भाई तो मिला ही ना होगा, हर टाइम दौरे पर है। हैं? तुझे एक बात बताऊं, उस नालायक का तो मेरा अगर जिक्र भी ना करिए। छाना भी नाम है, बाबा बतावे। खुशखबरी है इसका मतलब, चाचा बनने वाला हूँ मैं, पर मारे आगे जिक्र ही नहीं आन दिया। यो पता ही ना तू किस दुनिया में रहे। एक बात सुन ले, उसका तो हाथ मेरी अर्थी का भी ना लगान दिए। बेटा सदा खुश रहे, भगवान करे तेरे कैसी बहू हर घर में आ जा, हर बाप को तेरे कैसी लड़की मिले। ते तो बेटी मारा घर सुरग बना दिया। की रानी प्यारी सी और न्यारी सी है, प्यारी सी और न्यारी सी है अपनी प्रेम कहानी। प्यार और विश्वास से बंधी है अपनी डोरी, शिव शंकर हो नाथ मेरे तुम, शिव शंकर हो नाथ मेरे तुम, गोरा है ये गोरी। स्वर्ग जैसा घर है खुले तेरा चेहरा लगे, गुलदस्ता भरा फूलों ते, झुकरा पल्लू चोटी लटके, बाग भरा जन झुल्लो ते। आँख खुले तेरा चेहरा लगे, गुलदस्ता भरा फूलों ते, झुकरा पल्लू चोटी लटके, बाग भरा जन झुल्लो ते। सात सुरों का संगम हो जा, सात सुरों का संगम हो जा, जब तू बोले वाणी।
जैसा घर है मेरा, तू इसकी रानी। प्यारी सी और न्यारी सी है, प्यारी सी और न्यारी सी है अपनी प्रेम कहानी। प्यार और विश्वास से स्वर्ग जैसा घर है मेरा। बड़े फक्कड़ तुम फिर भी प्यारे लगते हो, दुनिया में रह कर भी तुम दुनिया से न्यारे लगते हो। अल्हड़ मस्त बड़े फक्कड़ तुम फिर भी प्यारे लगते हो, दुनिया में रह कर भी तुम दुनिया से न्यारे लगते हो। जैसा घर है मेरा, तू इसकी रानी। प्यारी सी और न्यारी सी है, प्यारी सी और न्यारी सी है अपनी प्रेम कहानी। प्यार और विश्वास से बंधी है अपनी डोरी, शिव शंकर हो नाथ मेरे तुम, शिव शंकर हो नाथ मेरे। मैंने सारी इंक्वायरी करा ली है, मेरी मिस्टर बत्रा, मिस्टर लखानी, मिस्टर किशन से बात हो गई है। आपने अभी तक बैलेंस शीट फॉरवर्ड क्यों नहीं की है? मिस्टर माथुर, सारी फाइलें सर्टिफाइड करा के सिगर ऑडिट के लिए भेजो। सर, टोटल डिफरेंस 70 करोड़ का है, ये जिम्मेवारी विजय साहब की होती है, इन्हें ही पता होगा। कुमार साहब, ये जिम्मेवारी आपकी है। पता चला है करोड़ों का डिफरेंस? कोई जवाब है आपके पास? सर, हम दोबारा चेक कर लेंगे। चेक करने से रिकवरी हो जाएगी? पता है आपको किस रैंक के आदमी हो? कंपनी आपको वीआईपी फैसिलिटी देती है, और 70 करोड़ का डिफरेंस। मिस्टर विजय कुमार, मुझे रिकवरी चाहिए, रिकवरी। सर, मैंने इनको कई बार टोका है, किसी की सुनते नहीं। लखानी जी, इसमें क्या हो सकता है? कंपनी ऑडिट में 70 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है। यस सर, रिकवरी हो जाएगी। ज्यादा अमाउंट चैरिटी में शो किया गया है। कोई बात नहीं, चैरिटी ने रिसीव नहीं किया है। रिसीव नहीं किया? सर, रिकवरी के लिए मिस्टर विजय पर केस डाला जा सकता है। मिस्टर विजय, मेरे पास 2 दिन का समय है, आप सोच लीजिए। मुझे रिकवरी चाहिए, वरना केस डलेगा और आपको जेल भी होगी। तुम क्या कर रहे हो? भाभी, मैं तीसरा सवाल निकाल रहा। ठीक है, जल्दी निकालो। आजा, बहुत होगी पढ़ाई, वह बिल की किताब दे दे, बहुत जरूरी है। तुम क्या कर रही हो? भाभी, मैं तो याद कर रही हूँ। ठीक है, करो, मैं अभी सुनूंगी। लो भाभी, हो गया। ये पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे, ले हम देखेंगे क्या कर रहे हैं ये। तू इनके लिए चाय बना दे। कौन पी रहा है चाय? क्या करोगे बिल की किताब का? पढ़ के देखूं कितना बिल हो लिया। तुझे ना पता बिल के मारे केक के बात हो जाए। ला दे दे, बाद में देती हूँ। सुनाओ, तुमने क्या याद किया? भाभी, लो मैंने कर लिया। देखो इनका कितना काम छोटा पड़ा है। इन्हें खुद करण दे, जैसे तू लग रही है ऐसे तो इन्हें कुछ भी ना आने का। देख वे, रसोई में गड़गड़ हो रही है, बिल्ली बढ़ गई दिखे। अरे कुछ ना हो रहा, वहां खिड़की बंद है। देख, यू सारा घी खिड़ा दिया बिल्ली ने। माय गॉड, विजय, क्या हुआ? हम सड़क पर आ गए दीपा। क्या हुआ बताओ? वार्निंग लेटर मिल गया है मुझे, अब तो मुझे जेल भी जाना पड़ेगा।
ये देखो वार्निंग लेटर। सत्तर करोड़। दीपा, दीपा। गौरी, एक बात तो सुन। बताओ, सुन रही हूँ। मुंह पर कर ले। आज का ना जो तू पढ़ रही है। पता है मुझे क्या कहोगे? तू समझ नहीं रही। बता दो, समझ रही हूँ। न्यू ना समझे तू। अच्छा? हाँ। ठीक है। हाँ ठीक है। देखा? अरे इसे तो इतना ही पता। चौधरी साहब, बालक खेलते ही अच्छे लगे। पिताजी देख रहे हैं। शंकर, पानी ले यार। नमस्ते जी। पिताजी नमस्ते। जीती रहो बेटी, और सब ठीक हैं? हाँ पिताजी, सब ठीक हैं। पिताजी, माँ कैसी हैं? ठीक है बेटा। लो जी पानी। जा बेटा, कुछ खाने वाने को बना ले। हाँ पिताजी, ठीक है। ना लंबरदार, कुछ नहीं। नहीं बेटा, नहीं। अरे धूम सिंह, वो पुराना जमाना तो खत्म हो गया। चौधरी साहब, कुछ शिकायत तो ना है? मुझे शिकायत? अरे इससे तो भगवान को भी शिकायत नहीं हो सकती। बस मुझे तो शंकर का फिकर था, वो भी मेरा दूर हो गया। ये तो घर की देवी है, देवी। इसने तो मेरा घर स्वर्ग तो भी बढ़िया बना दिया। हेलो अंकल जी, नमस्ते। नमस्ते भाई, मैं राजीव बोल रहा हूँ, विजय का दोस्त। हाँ बोल भाई, क्या बात है? अंकल जी, विजय पर कंपनी ने 70 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाया, इसलिए कंपनी ने उसे निकाल दिया है और उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। वो बहुत परेशान है। पिताजी, क्या बात हुई? अरे बात तो वही हुई जो होनी चाहिए थी। उस साहब ने करवा किसी जानकार था फोन, 70 करोड़ के घोटाले में फंस गया कहिए, और जेल भी जाना पड़ेगा। कंपनी ने काट ही दिया। सवाल ही नहीं उठता। भाई को काटने से पहले लाला को 100 बार सोचना पड़ेगा। 6 महीने भी ना चले उसके बिना कंपनी, हैं? और उसके द्वारा पैसे की क्या कमी है जो ऐसा गंदा काम करेगा? किसी ने मजाक में फोन करा आयु, मैं देखूंगा। मजाक? मजाक नहीं, जेल भी जाना पड़ेगा। भाई को जान देंगे हम जेल में? हम जाएंगे जेल में। भाई की नहीं तो हम छाती खोल के खड़े हो जाएंगे। अरे घोटाला तो करे, और जेल में जाएगा तू? मैं क्यों नहीं चला जाऊंगा? जब उसका ब्याह हो रहा था मैंने उसकी जगह ब्याह नहीं करा। जब वो मौसी के जा रहा था तो मैं गया नहीं उसकी जगह। बेटा सोच समझ गया कर, जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। मैं जरूर जाऊंगा। तुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है, सुन गया के? We'll be right back.
डर मत बेटे, गुंडे भाग गए हैं, तू आ जा। डरे मत, आ जा। ले 10 रुपए और चीज खा लिए। डरे मत बस, आ जा। अब घबराने की बात ही नहीं है, आ जा। अरे यस, तू ठीक तो है ना? पापा। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बेटे को किडनैप होने से बचा लिया। कोई बात नहीं भाई साहब, घबराने की बात नहीं है, बच्चा थोड़ा डरा हुआ, इसे डॉक्टर के जरूर ले जाइए। यू क्या है जी? चेक है। अच्छा, पैसे नहीं है थार धोरे? मेरे पे तो ले लो 100-200 रुपए की जरूरत हो तो, पर दिखा जरूर लियो इसे। पैसे नहीं मांग रहे हम आपसे, बल्कि ये चेक दे रहे हैं, आप जितने चाहे इसमें पैसे भर लीजिए। अजी पैसों की मारो दौरा की कमी है? 23,864 रुपए मेरे खाते में और पिताजी के खाते में जने कितने हैं? क्या नाम है आपका? अजी शंकर नाम है मेरा। चलो मैं आपको घर छोड़ दूँ। घर तो मैं अभी आया हूँ जी, मैं कोई शहर में थोड़ी रहूँ। अच्छा, आप शहर में नहीं रहते? ना जी, मैं तो भाई से मिलन आया हूँ। आपके भाई क्या काम करते हैं? भाई किसी कंपनी में बड़ी पोस्ट पे, और भाई की और मालिक की जो है ना कुछ कहा सुनी होगी, तो मालिक ने उस पर 70 करोड़ का इल्जाम लगाकर कंपनी में तो काट। पर हमारा भाई ऐसा नहीं है, हम तो जमीन बेच के एक एक पैसा दे देंगे, पर भाई पे कलंक नहीं लगन दे। कौन सी कंपनी में काम करते हैं आपके भाई? कंपनी जी सोनोटेक कैसेट कंपनी बताया करे था। क्या नाम है आपके भाई का? भाई का नाम तो विजय जी। अरे भाई शंकर, तुम तो सच में ही बोले शंकर हो, सोनोटेक कंपनी का मालिक तो मैं ही हूँ। अच्छा, तो तुम विजय के भाई हो? पर भाई दोनों के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर है। अरे भाई शंकर, तुम दूसरे के दर्द को अपने दर्द से भी ज्यादा समझते। विजय मेरी कंपनी में ही तो काम करता था, तुम्हारे इस उपकार के बदले मैं विजय का केस वापस ले लूंगा। ठीक है भाई लाला जी, जैसी थारी मर्जी, और नहीं तो हम थारा एक एक पैसा ब्याज सही देते, नियम किसी के पैसे नहीं मारे करते। ठीक है, आइए हम आपको जहाँ जाना है वहीं छोड़ देते हैं। चलो जी। फिर एक किसी फ्लैट पर कर लेना। भाई राजीव, मुझे तो नौकरी का पता चला था, पर भाई का यू एक्सीडेंट और भाभी की हालत कैसे हुई? भाई शंकर, विजय पर कंपनी ने गबन का आरोप लगाकर निकाल दिया, इसी सदमे में तुम्हारी भाभी को लकवा मार गया, और भाभी की दवाई लाते समय उनका एक्सीडेंट हो गया। कंपनी ने उनकी गाड़ी बंगला सब छीन लिया, दोस्ती के नाते मैं इन्हें अपने घर ले आया। यार तने बहुत बढ़िया करा, तेरा बहुत एहसान है, और हम तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल लेंगे। बस तू इन्हें घर और भिजवा दे और मेरे घर फोन करवा दे। अरे भाई, इसमें एहसान की के बात, ये तो मेरा फर्ज बने दोस्ती के नाते। तेरा बड़ा धन्यवाद।
भगवान, ये प्रार्थना है मेरी आपसे, विजय भाई साहब और दीपाली दीदी जल्दी से ठीक हो जाएं। इनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है और हमसे इसमें भूल करके भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। भगवान, जब तक ये दोनों ठीक नहीं हो जाते, मैं सोमवार के व्रत रखूंगी और इनके ठीक होने पर अपने व्रतों का उद्यापन करूंगी। आप मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करें। ज्ञान का सच्चा सार तू ही है, इस जग का आधार तू ही है। छोड़, हम ले करेंगे छाट छाट के। हाँ तुम ले आओगे, रहन दो जाओ। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा भगत है बिल्कुल ठली, जेब है उसकी दोनों खाली। जय काली कलकत्ते वाली। विजय, ओ विजय कहीं पता लेता चलो, जुगाड़ बन सके। अरे तुम कम घुमा करो, बैठ जाओ। जय गणेश कट्टुकलेश, जय गणेश कट्टुकलेश, जय गणेश कट्टुकलेश। अपन जी, नमस्ते पंडित जी। राम राम बेटा, राम राम। कोई कुर्सी ले आओ। कोई बात ना, अब मैं ले लूंगा कुर्सी। तो बेटा, अब बड़ा हैरान हूँ, बड़ा अलाकरण हो गया। किसी की मिली भगत है, जरूर कोई ना कोई बात पावेगी। और मैं तो पहले ही कहूं था, उस ऊपर वाले का बड़ा आसान है। अबे टे, जान बच गई है। बस पंडित जी, दुआ है आपकी। अबे टे, खोटी गिरे थी टल गई, और जो कुछ रह रही उसे भी टाल दूंगा, और यही तो काम है मेरा। बहू, चांद का टुकड़ा देवी का रूप है, देवी का, अब भले घर की लगे। पंडित जी, ग्रह और कब तक के हैं? बेटे, राहु और केतु अब पांचवे घर में पलोथी मारू बैठे, और मैं बाहर काट दूंगा, और यही तो काम है मेरा। अब बहू, इसकी जन्म पत्री भी मैं नहीं बनाई थी, और मैंने साफ लिख दिया था, अब बड़ा अफसर बनेगा, और बनिया। और बहू, किसी बड़े घर से आवेगी तो आई, और फिर सारा काम पहले से सही कर दूंगा, बढ़िया बना दूंगा, और यू ही काम तो है मेरा। तो पंडित जी, कर दो, हम तुम्हारा बहुत एहसान मानेंगे। और बेटे, इसमें एहसान की कोई बात ना है, और 1100 रुपए का तग्गा बनेगा तेरा, और बहू का भी। और सुन, उस बावड़े भूत को पता ना चल जा, शंकर को। और बेटे, छोटी मोटी की रहना थी, और राहु और केतु अब पांचवे घर में, अब पलोथी मारू बच्चे। और शनि की दृष्टि पड़ने थे पहले, अपना काम करवा लो, और यू ही तो काम है मेरा। तबीयत ठीक है? ठीक है चाची। नमस्ते। चाची नमस्ते। नमस्ते। और बहू ठीक ठाक है? हाँ जी। और विजय, तू भी ठीक ठाक है? बस चाची जी, आशीर्वाद है आपका। चाची जी, चाय। बस चाय खंड जागी। तब मैंने पता इसके करतूत का, इसके बड़ी लिया आज है। एक दिन तो तेरे चाचा की कोली भरवा आवे थी, और एक दिन एक बाबा का हाथ पकड़ो खड़ी थी गली में। चाची जी, ऐसी तो नहीं लगती। तब मैंने पता इसका, थारा गया तो राज्य रो जागी, और पीछे खूब बुराई करे। और एक दिन तो गली में यू कह रही थी कि पता ना हमारे कदलो फांसी लगी रहोगी। हाँ, सोचती तो जरूर होगी। मन ने तो एक दिन खूब धमकाई कि ऐसा है कि इनका ना है कुछ, सारा धन तो जाई चाह, और मैं तो थारे मारे आ जाऊं।
ना मैं नाती हूँ। अच्छा चाची जी। और भाई तजे भी कहूँ विजय, तू अपना काम धंधा कहीं बाहर ही देख लिया, नहीं तो यह बहू ऐसी है कि तेरे भी लांछन लगा देगी। ठीक है चाची जी। और तुम नुई मानो इसे यही रख रहे, अस्सी को तो मैं एक दिन न रहने दूं। और इसका तो सारे गांव में जिक्र है, और तुम्हें मैं समझा रही कि इससे थोड़ा बगल ही रही हो। दीदी चाय ले आओ। ले आओ। हे भगवान, मेरा तो बस यही सपना था। गौरी मैं समझी नहीं। दीदी मैंने ये व्रत इसलिए रखे थे ताकि आप दोनों जल्दी से ठीक हो जाएं और पहले की तरह हंसते मुस्कुराते रहें। ओ शंकर, अरे विजय कोई सा है ना घर पे? सजी राम राम, आ जाओ। राम राम भाई, राम राम। और कैसी तबीयत है विजय? बस ही ठीक हूँ अब तो। भाई एक बात समझ में नहीं आई, ये दोनों हैं बहुत बेपरवाह। मैं जब भी आऊं कोई सा दिखाई नहीं देता, पता नहीं कहाँ बड़े रहे। तुझे कोई तकलीफ तो नहीं? हाँ चाचा जी अब तो ठीक हूँ। अरे भगवान ने चाहा तो ठीक ही रहेगा, बहुत दुख भोग गए हैं तने। पर बेटे अब आगे की सोच ले। हाँ चाचा जी अब तो सोचना पड़ेगा आगे का। भाई हम तो पहले ते ही कह रहे थे कि शंकर धोरे तेरी पार ना पड़े। ना ना सब ठीक कर रहे हैं। ठीक तो कर रहे होंगे, पर दिखे तू शर्माइए ना, हम तो तेरी बहुत मेहर करें। और फिर पढ़ा लिखा वैसे तू, तेरे 70 घाक, और ना तो अपना कोई काम कर लिए, और जो कुछ मदद मारे तो बन पड़ेगी हम करेंगे। ठीक कह रहे चाचा जी तुम। अरे हम तो ठीक ही कहेंगे, और मेरी मानना ना तो बाहर की सोचिए, कभी यहाँ खेती बाड़ी में बढ़ जा, यहाँ तो तू हमें ही देख ले। नहीं नहीं थोड़ा ठीक हो जाऊं फिर सोचेंगे। सोच ही लिए फायदे में रह जाएगा, ना तो ये ना छोड़ दे तेरे दरो कुछ भी। आज वह शंकर की बहू भी ना दिखती, वो सब लोग खेत गए हैं। हाँ यह भी ऐसी है, मिट्टी बिजली है बिल्कुल। क्या कह रहे हो चाचा जी? कुछ ना कह रहे बेटे, एक दिन गाल में खड़ी कह रही थी अक नौकरी की नौकरी करते रहे, अरीब चोरी करके हमारी छाती बांध बैठे, बता हम इनका इलाज करवावे कि इनका जुर्माना भरे। क्या कह रहे हो चाचा जी? मैं तो न्यू कह रहा, बच लिए फायदे में रह जाएगा, और चिंता बिल्कुल ना मानिए, तेरा चाचा पहले ते ही तेरी गैल है। पंडित जी एक मिनट सुन लेते हैं, एक काम था। हाँ, और चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, अरे सारे काम कर दूँ, और यही काम तो है मेरा, काम बता। 4 साल हो गए बहू को बाड़क ना हो रहे। अच्छा अब बाड़क जब मैं कर दूंगा, अब मैं यही तो काम करूँ, और बड़कू की बहू का पता नहीं देगा, मैं नहीं तो करा। तो मैं बुलाऊं बहू को? गाल में ही करवावेगी क्या? मंदिर में भेज दिया और नहा धो के आ जाएगी। तो मैं नो कहूँ मैं बुलाऊं बहू को? नहीं है। और ये काम ऐसे हो के और लपड़ दे के हो, और लपड़ दे मैं करूंगा। तुम क्या कह रहे हो पंडित जी? और सही तो कह रहा हूँ, और मैं जो कुछ गंडा तभी दूंगा मंदिर में तो दूंगा, अब भेज दिए। अच्छा एक बात बताऊँ, अब घना लो लालच ना करिए, लोभ लालच बता भुल्लड़ की बहू को देख ले, नुई बैठी बोलो। जय गणेश काटो गणेश, जय गणेश काटो गणेश। पंडित बहुत बढ़िया है, सबके काम कर दे। तू फिर भी गया था क्या उनका पता सा लेन? हाँ गया, क्यों नहीं था? मैं तो आज इस बात की मारी था, कभी नहीं गया। ठीक करा, यू काम होगा। अच्छा ये बता कुछ कह रहे थे के? भला कैसी बावली बात कर, मेरे सामने की कहते वे? मैं भी कसर ना छोड़ खाई, करियाई मैं भी। अच्छा मैं बताऊंगी तुझे। आग तो मैं भी पूरी लगाया। माँ भूख लग रही, रोटी दे दे। दो घड़ी बतलान भी ना देते, जा खा ले रोटी खाल के। पर ये तो बता तू उनके कह के की आई? मैं तो विजय और उसकी बहू को पढ़ा आई, और आज ही बो देंगे बीज। और बहू तो कह रही थी कि चाची बस तू ही है हमारे हक में। ये हुई बात? मैं तो करी आई, तू के करके आया? तू बावली हो रही क्या? जगबीर सिंह वह चीज है जो जब चाहेगा 6 दिन में नारे पाड़ देगा, 6 दिन में।
भूल गई के भूप सिंह के भी मैंने करवाए थे नारे। अरे माँ चाय दे दे तावली, आज मारे दौड़ है। अरे ओ ड्राइवर तू जा अपने आप ही घाल के पी ले, इसका मौका ना है आज। चाय तो तू पी ले पर आज दौड़ में जीत के दिखा दिए। मैं तो यहाँ तक के आया कि यू जो हरबीर है ना यू भी थारे खिलाफ है, और यह जो जमीन सी है या भी उस बावड़े को ही दे देगा सारी की सारी। तो मैं भी तो नुई कह गई कि तुम कमाओगे और ये बैठ के खाएंगे। विजय पे तो मेरी बातों का इतना असर हो गया न्यू कहने लगा अक चाचा जी तुम बेफिक्र रहो, बस एक बार मुझे ठीक सा हो जान दो। मैं भी बहू को बगल जगह कह आई कि इनते बच के रहियो नहीं तो सब कुछ हड़प लेंगे। चलो आज कहीं घूम के आते हैं। घूमने को क्या है यहाँ, हर तरफ कूड़ा कचरा और चारों तरफ मक्खियाँ ही मक्खियाँ हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सोच तो मैं भी यही रहा था, और चाचा भी कह रहे थे तुम्हारा रहना ठीक नहीं है यहाँ पे। चाचा जी ठीक ही कह रहे थे, और वैसे भी यहाँ मेरी सांस घुट रही है। एक चाची जी को ही छोड़ दो, बाकी सब एक जैसे हैं। विजय कुछ भी करो पर यहाँ से निकलो। दीपा आप ठीक कह रही हो, लेकिन इतना पैसा आएगा कहाँ से, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो जमीन है ना उसे निकाल दो, वो हमारे किस यूज की। ये जमीन मेरे अकेले की हुई है, आधा ऐसा शंकर का है उसमें, और अगर शंकर की शादी ना होती ना तो सारी जमीन मेरी होती। खैर कुछ करता हूँ। शंकर और गौरी यही है रास्ते की रुकावट। शंकर भाई ला मैं बरसम काटता हूँ। अच्छा हम तेरे पे बरसम कटवाऊंगे, जा वहाँ छाया में बैठ। भाई एक बात बताऊँ, कंपनी से फोन आया था, दोबारा बुला रहे हैं, क्या करूँ। मुझे पहले ही पता था वे छह महीने तेरे बिना नहीं चला सकते। पर भाई पिताजी की गारंटी मांग रहे हैं वो। अरे तू गारंटी की बात कर रहा है, वे जान मांगेंगे हम जान देंगे। भाई तुझे पिताजी से है ना कागजों पे साइन करने पड़ेंगे। तू बेफिक्र होकर कागज ले आ, तू जहाँ कहे होगा मैं वहाँ साइन करवा दूँ। पिताजी हाँ देखो लग गया ना लाला को पता भाई की कीमत का, यू आ गया फिर फरमान। अरे ऐसा के फरमान आ गया, ये देखो कागज, फिर बुलाया भाई को, तनखा भी दुगनी है अब के, पर तुम्हें गारंटी देनी पड़े। मेरी किसी गारंटी, जब कोई ऐसी बात हो जाए तो बाप को देनी पड़े ना गारंटी। धर्मपाल के छोरे का नाम कटा तो दीना धर्मपाल ने गारंटी, यही बात कंपनियों की है। अरे मैं जानू यू कुछ और सांग भरेगा, तू रहन दे यो हमें भी फंसवा देगा। पिताजी साइन तो तुम्हें करने पड़ेंगे, तुम कर दो। जी भाई अब ठीक हो गया, यहाँ गांव में के करेगा, वहां जाएगा अपना काम करेगा, करो। और एक बात बताऊं, अगर कुछ होगा ना तो मेरे आगे आके ना रहिए। कुछ भी ना हो तुम तो नहीं करे करो। कैसे साइन? भाई को कंपनी वालों ने दोबारा उल्टा बुलाया है, पिताजी गारंटी चाहिए थी, मैंने करवा दिया साइन। आपने पिताजी को बताया ये पेपर कैसे हैं? इसमें बताने वाली कौन सी बात है? देखो ठीक किया आपने, कोई बात नहीं, पर आपको पिताजी को बता देना चाहिए था। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से कभी कभी किसी के साथ धोखा भी हो जाता है। पहले इस गौरी को ही रस्ते से हटाना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, भाई पढ़ा लिखा है। चलो तो ठीक है, महादेव की कृपा से भाई साहब और दीदी अब ठीक हो गए हैं, और कल महाशिवरात्रि है, मेरा भी आखिरी व्रत है, परसों मेरे व्रतों का उद्यापन हो जाएगा। हाँ हाँ सब तैयारी तो हो गई होगी। हाँ सब हो गई है, असली कांटा तो गोरी है। ओ शंकर भगवान की जय। जोड़ बिनती करूं।
सुनो अंतर्यामी, मुझे अर्धांगी स्वीकार करो। अरदास सुनो जग के स्वामी। शिव के भजन संग पार्वती, शिव के भजन संग पार्वती, शिव के भजन संग पार्वती, शिव के भजन संग पार्वती। अरे रामचंद्र संग सिया भजो और शिव के भजन संग पार्वती, रामचंद्र संग सिया भजो और शिव के भजन संग पार्वती, 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 शिव के भजन संग पार्वती। गीत सुनो जी मेरे भोलेनाथ जी, गीत सुनो जी मेरे भोलेनाथ जी, दिन भर भंग रगड़ूंगी, दिन भर भंग रगड़ूंगी, भंग रगड़ो तेरा रगड़ो भतूरा, भंग रगड़ो तेरा रगड़ो भतूरा, पीवे नादिया में सेवा करूंगी, नादिया में सेवा करूंगी। एक सुनो जी मेरे भोलेनाथ जी, एक सुनो जी मेरे भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी एक सुनो जी, भोलेनाथ जी एक सुनो जी। हंसने लगे शंकर जोगी और हंसने लगे फिर भोलेनाथ जी, हंसने लगे फिर भोलेनाथ जी, हंसने लगे फिर भोलेनाथ जी। क्या देखा पकड़ के संग में, क्या देखा पकड़ के संग में, आगे राख मेरे पीछे खाक जी, आगे राख मेरे पीछे खाक जी, भंग गोतू मैं पीऊं धतूरा, भंग गोतू मैं पीऊं धतूरा, दे हसनी मेरी खाकम खाक जी, दे हसनी मेरी खाकम खाक जी। हेरि गवर जा, हेरि गवर जा, हेरि गवर जा पार्वती री, हेरि गवर जा, हेरि गवर जा, हेरि गवर जा पार्वती। कोई अच्छा कवर राजा का ढूंढ ले, अच्छा कवर राजा का ढूंढ ले, महलों में बैठी राज करे री, महलों में बैठी राज करे री, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम और बगड़ बम और अगर बम 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 लहरी, अगर बम और बगड़ बम और अगर बम 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 लहरी। बचपन से मैं तेरी भक्ति करती, भजन करूँ मैं तेरा हे स्वामी, भजन करूँ मैं तेरा हे स्वामी, भजन करूँ मैं तेरा हे स्वामी। तुम स्वीकार करो मुझको और दया करो मेरे स्वामी, दया करो मेरे स्वामी, दया करो मेरे स्वामी। इतना वचन सुना जोगी ने, कहने लगे शंकर जोगी, कहने लगे शंकर जोगी, कहने लगे शंकर जोगी,
कैसे करोगी सेवा गवर का, कैसे तुम मेरी भंग रगड़ोगी, कैसे तुम मेरी भंग रगड़ोगी, कैसे तुम मेरी भंग रगड़ोगी। अति चिंगाड़े शेर दहाड़े कैसे रहोगी जंगल में, कैसे रहोगी जंगल में, कैसे रहोगी जंगल में। भूत प्रेत और शेर वगैरह भंग डाले तेरे मंगल में, भंग डाले तेरे मंगल में, भंग डाले तेरे मंगल में। ऊंचे नीचे बीहड़ जंगल, ऊंचे नीचे बीहड़ जंगल, लहर लहर नदिया बहरी, पगड़ बम 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 लहरी। औरत की मत गुदी पीछे, औरत की मत गुदी पीछे, मर्दों की हो मस्तक ऊपर, मर्दों की हो मस्तक ऊपर। बात मान लो चंद्रमुखी तुम, बात मान लो चंद्रमुखी तुम, सूरजमुखी सा ढूंढो वर, सूरजमुखी सा ढूंढो वर। करूं तपस्या जन्म जन्म तय, करूं तपस्या जन्म जन्म तय, तू ना इसको खंडित कर, तू ना इसको खंडित कर। के काटेगी इस पकड़ में, के काटेगी इस पकड़ में, ढूंढ ले कोई राज कंवर, ढूंढ ले कोई राज कंवर। पगड़ बम 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 लहरी, पगड़ बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। गौरी दीदी आज मैं चाय बनाती हूँ। रोज आप चाय बनाती हैं ना? कोई बात नहीं दीदी, आप बना लो। अरे गौरी दीदी आप जाओ और अंदर से मेरी दवा उठा लाओ। ठीक है दीदी। दीदी आपकी दवाई। ये चाय रखी है पी लेना। जी दीदी। कागज कार्रवाई आज हो चुकी है, जमीन का कब्जा हम कर लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर। हेलो हेलो, एक बंदा यहाँ से निकल चुका है, तुरंत कैच करो। We'll be right back.
शंकर। चोट तो ना लगी है तेरे? दिखाइए। शंकर भाई, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। मैंने तेरे हिस्से की जमीन बेच दी, भाई मुझे माफ कर दे। तू दुखी मत हो भाई, पैसे तो मैं तुझे और दे दूंगा। मेरे खाते में 23,700 रुपए और हैं। शंकर कैसा भैया है तू? अरे भाई तू कैसी बात कर रहा? तू जमीन की बात कर रहा, पैसे की बात कर रहा? तू अपने भाई की जान मांग के देखिए, वाह भी मिलेगी तुझे। चल, तेरी जरूरत में अभी भी कोई कमी हो तो मुझे बताइए। अरे शंकर, अरे है ना के पिताजी पानी। गोरी बेटा, क्या बात हुई? अरे है के कोई सा? अरे आओ। जी पिताजी। देखे इसका क्या होगा, चक्कर सा गया इसका तो। गौरी तो क्या हुआ? का डब हो गया। अरे चिड्ढा, जाइए करे डॉक्टर बुलाइए, बुला के। उठो, क्या हो गया भाई? गौरी दीदी, गौरी दीदी, गौरी दीदी। गौरी बेटे, क्या होगा बहू को? क्या हो गया लंबरदार, एकदम क्या हरकत? अरे चाचा, कोई डॉक्टर बुलाने के भेजा है? लंबरदार, पानी गिर दो उसकी नाक में दो बूंद। क्या खाया था इन्होंने? दीदी ने तो कुछ नहीं खाया, चाय पी और मुझे पिलाई। अरे कोई तो दवा दे डॉक्टर। ताऊ जी, दवा दिए का कोई फायदा नहीं है, इसका दम घुट चुका है। अब अपनी तसल्ली के लिए इसे कहीं भी ले जा सकते। उठो दीदी, उठो, आंखें खोलो दीदी, तुम्हें क्या हो गया दीदी? उठो, उठो दीदी। हे परमात्मा, ये क्या सोची? अरे देख ले डॉक्टर, कुछ होता हो तो। अरे फिर बाड़ा मत हो, उसका क्या हाथ उठाए जा। इतनी बढ़िया बहू के सबको मिले हैं, या तो बस किस्मत वालों को मिले हैं। अरे शंकर, आज तू कहाँ है मेरे यार? अरे उस शंकर को भी देख लो, वो तो बावड़ा हो जाएगा सुन तू ही। भैया भाभी मर गई, उन्होंने जहर खा लिया। मेरे बिना एक टूक भी ना खावे थी, आज जहर खा लिया मेरे बिना। क्यों किया ये धोखा मेरे साथ तुमने? क्यों वादा तोड़ा तुमने मेरे से आज? क्यों तोड़ा वादा? करते हो तुम ऐसा? जो लोग तुम में विश्वास करते हैं, तुम उनको धोखा दे देते हो। गौरी का तुम्हारे में कितना विश्वास था, और मेरा गौरी में? क्यों करेंगे लोग तुम्हारी भक्ति?
तुमने गौरी को धोखा दिया है और गौरी ने मुझे धोखा दिया है। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं गौरी के बिना नहीं रह सकता, मैं गौरी के बिना नहीं जी सकता। महादेव, ये आपके सामने क्या हो रहा है? आप आंखें बंद करके क्यों बैठे हैं? हे स्वामी, क्या आपके भक्तों का ऐसा अंत होगा? तो क्यों लोग आपको पूजेंगे, क्यों आप पर विश्वास करेंगे? मैं भस्म कर दूंगा इस उल्टा स्त्री को, मेरे क्रोध की अग्नि से जला देगी। हे महादेव, आपको जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए, पर मेरी दीदी को माफ कर दीजिए। हे पुत्री, जिस औरत ने तुम्हें जहर दिया उसी के लिए तुम प्रार्थना कर रही हो? हे प्रभु, क्योंकि मेरी दीदी के कारण ही आज आप मेरे आंगन में खड़े हैं। धन्य है आप जैसी देवियाँ जो दूसरों के पाप में भी पुण्य ढूंढती हैं। ये धरती तब तक थमी रहेगी जब तक तुम जैसी एक भी आत्मा इस पृथ्वी पर है। शंकर कहाँ है? भाभी भैया तो भीतर हैं,
क्या कर रहे हो तुम? तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? अरे मैं तो बताना ही भूल गई, देखो हमारे घर भगवान शिव आए हैं। तू जिंदा हो गई, हमारे घर तो भगवान आ ही गए। मुझे माफ कर दीजिए विजय, मैंने पाप किया है, मैं पापन हूँ। ये क्या किया तुमने? नहीं, आप दीदी को नहीं मारेंगे। हाँ भैया बिल्कुल, भाभी का तो हाथ नहीं लगा होगा। पिताजी हमें माफ कर दो। भाई आज सिर्फ इनको ही नहीं हमें भी माफ कर दे। देखे शंकर और गौरी ने आज हमारी आंख खोल दी। हमने सदा इनका बुरा चाहा पर इनने हमेशा सबका भला चाहा। किसी ने ठीक ही कहा है कि कर भला हो भला और अंत भले का भला। We'll be right back.
रिकॉर्डेड वीडियो।